तो यार भाई लोग कैसे हो सब लोग तो सब तो सबका कॉलेज खत्म हो गया होगा ना <laughs> भी नहा के आया हूँ बस नहा दो ऑल सेट लेटर जा रहा हूँ एक जगह पता कहाँ अक्सर जहाँ पर एक कॉलेज खत्म होने के बाद जाते हैं सब लोग भाई ड्यूटी जॉब तो यार मैं तो बी फार्म का स्टूडेंट हूँ जैसे कि सबको सबको पता ही होगा तो आज बात होगी हमारी इस टॉपिक पे कि यार कॉलेज के बाद यार सब लोग आधे से ज्यादा लोग इधर उधर इधर उधर इधर उधर 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 घूमते ही रह जाते हैं यार दाढ़ी मूछ पूरी सेट कराने वाली हो हो गई गई बड़ी बड़ी पता नहीं बहुत अजीब लग रहा है ना तो हम कहा थे कि यार कॉलेज के बाद तो सब लोग यही सोचते हैं ना कि कौन सा काम करें कौन क्या करे ये 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 आधा टाइम तो इसी में सोचने में चला जाता है कि भाई क्या करें तो भाई मैंने सोचा यार ये सोचने से अच्छा मैं बैठ के वीडियो बनाऊं तो भाई मैं अपना भाई वीडियो बनाने लगा फिर उसी सबकी हेल्प की जाए सब की help भाई, help, help करना भाई, अपना काम है भाई। ना तो चीज भाई, भाई मेरे साथ है बट मेरे साथ दूसरा सी नहीं भाई मेरे को पनीर बहुत पसंद है अब पनीर भी भाई कई तरीके की होती है अब कौन वाली पनीर वो आप लोग समझ जाए बताने की जरूरत नहीं भाई क्या बोलते हैं होशियार कोई इशारा ही काफी है ठीक है भाई तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं आप लोगों के सामने वो बात दरअसल ये है हम जिस कॉलेज से बाहर निकले ना वहां पर कुछ बताया नहीं गया वहां पर गिनती की चार है हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं आप ड्रग इंस्पेक्टर ये जो तीसरा है ना ड्रग इंस्पेक्टर ये बहुत चर्चे में रहता था किसी बच्चे से पूछो क्या बनना है भाई हमको डीआई बनना है क्या बनना है ड्रग इंस्पेक्टर मेरे को नहीं लगता अभी कोई तैयारी कर रहा है ड्रग इंस्पेक्टर पहले साल से मतलब ड्रग इंस्पेक्टर का ऐसा रोल ऐसा रोल ऐसा रोल आपको क्या बनना है इंटर में

सक्सेस तभी होगी मतलब आपको लाइफ में सक्सेस तभी मिलेगी जब ये ऑप्शंस आप छोड़ करके कोई एक चीज पिक करेंगे वरना आप हमेशा ऑप्शंस से ऑप्शंस पे जंप करते रहेंगे ऐसे 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 आप कभी स्टेबल नहीं हो पाएंगे और लाइफ में स्टेबल होना बहुत बहुत आवश्यक है ठीक है ना तो पहले स्टेबल होना सीखिए वरना आप कभी इधर कभी इधर आप कहते ना कि किसी एक चीज को लगातार करते रहो तो माइंड जो होता है वहां पर कंसंट्रेट होने लगता है उस चीज को कलेक्ट करने लगता है कलेक्टिव स्ट्रेंथ कलेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेंथ होती है ठीक है मुट्ठी स्ट्रेंथ होती है तो आप किसी एक काम पर फोकस करेंगे तो आपको उस काम की बहुत नॉलेज मिलती जाएगी ठीक है अगर आप यह सोचेंगे यार इसमें मजा नहीं आ रही है नहीं करूंगा जैसे कि मेरे को ही देख लो अभी बताऊंगा <laughs> बहुत लंबी कहानी है ठीक है वो चीज होती रहती है मजा नहीं आ रही वो बात अलग है लेकिन आप जब तक ये सोचते नहीं हो जैसे कि आपने कुछ दिन ये काम किया आपको पसंद आ गया आप उस पर चले गए वो चीज नहीं अच्छी लगती ना तो भाई आपको मैं बताऊंगा जो अपनी न्यू जनरेशन है मीन जो बच्चे अभी न्यू न्यू में उनके लिए भी बताना चाहता हूं पहले आप यार फर्स्ट सेकेंड ईयर है आराम से पढ़ो थर्ड ईयर में आप सोच लो मैं तो कहूंगा अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट है तो जीपैट आप निकालने की कोशिश करो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है आप देने की कोशिश करो उससे आपका फायदा क्या होगा जैसे कि मैं आपको एक फायदा बताता हूं सिर्फ और सिर्फ एक फायदा आपको एमफार्म में एडमिशन मिल जाएगा ठीक है अगर आपको फर्दर स्टडीज करनी है ये उनके लिए पहले मैं उनको बता रहा हूं आपको एम फायर में एडमिशन मिल जाएगा अब आप सोचेंगे एडमिशन तो यार मेरे को ऐसे भी मिल जाएगा बट आपको फायदा क्या लाइफ में फायदे की बहुत आवश्यकता है जब तक कि इंसान को फायदा नहीं मिलता तब तक वो काम नहीं करता है आपको इससे फायदा ये होगा आपको पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जैसे आप इसमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो वो स्कॉलरशिप नहीं होती आपको पैसे मिलते हैं उधर तरीके से ठीक है आपको सरल भाषा में समझा रहा हूं मैं कुछ कठिन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो आपको पैसे मिलते हैं पंद्रह हजार बीस हजार रुपए मिलते हैं पंद्रह हजार मान लो ठीक है मिनिमम पंद्रह हजार होता है तो आपका फायदा क्या आप एम भी कर सकते हैं आपको प्लस एज अ सैलरी मिल रहा है समझ लो सैलरी का पॉकेट मनी मिल रहा है आप इस्तेमाल कर सकते हो आपको कोई हेडेक नहीं है कि भाई गर्लफ्रेंड को घुमाना है पैसे नहीं है आपके पास पैसे है तो भाई उसके लिए मेहनत करो आप फर्स्ट ईयर में जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप फर्स्ट ईयर का पढ़ो उसके बाद साइड में आप एमसी क्यूज लाइफ में एमसी क्यूज पढ़ लेना मैं बता रहा हूं पहले ही पढ़ लेना प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये क्यूज है ना आपको हर समंदर पार करा सकती है गहरे से गहरा समंदर बड़े से बड़ा पहाड़ चढ़ना सिखा सकती है आपको लाइफ में अगर एमसी क्यू करना आ गया ना आप लाइफ में हर एक चीज कर लोगे तो याद रखना एमसी क्यूज जरूर प्रैक्टिस करें एमसी क्यूज मेक यू टू <laughs> मतलब आपको लाइफ में सक्सेस मिल नहीं मिल रही है, है अब आता है उनके लिए जिनको आगे कुछ नहीं करना है मीन होती है कंडीशन होती है प्रॉब्लम होती है मैं समझता हूं ठीक है बैचलर स्टूडेंट्स जैसे कि आप निकले आपको बैचलर स्टडीज खत्म हुई आपकी डिग्री मिली ठीक है उसके बीच में कुछ टाइम मिलता है टाइम इन सेंस जैसे कि मतलब

कॉलेज में होता है लास्ट सेमेस्टर में प्लेसमेंट ड्राइव तो उस प्लेसमेंट ड्राइव के चलते बहुत फ्लो रहता है इंटरव्यू 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 का तो उस लड़के ने क्या किया उसी भाव के ऐसे ऐसे बहते 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 उसने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया भर दिया कई कंपनीज में एक उसने सीवी बनाई माशाल्लाह सीवी मैं तो आपसे बताऊंगा सीवी बनाओ एक नंबर सीवी जिसको जॉब चाहिए बी फार्म के पास सीवी बनाओ सीवी से पहला इंप्रेशन पड़ता है और बोल बोलना ऐसा बोलो गलत बोलो या सही बोलो बस बोलो ये क्या लिखा है एस लिखा है क्यों क्योंकि यार ये देखो एस है बट असल में तो ये आर है ना बट मैं तो इसको एस और आई नाम से देख रहा हूं तरीका होता है ना भाई देखने का सामने वाले को इंप्रेस करना है सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा ड्यूरिंग इंटरव्यू इंटरव्यू क्रैक करो एम की जॉब आपको महीने की बीस हजार से स्टार्टिंग है ठीक है मैं तो जिस कंपनी में हूं वहां पर बीस हजार रुपए मिलने बाकी आपको मिनिमम हजार तक के जाता है प्लस दिये, दिये टू होता है डेली आपका पेट्रोल खाने का खर्चा कंपनी देती है तो आपकी पॉकेट में पंद्रह हजार रुपए जा रहे हैं अच्छी जॉब है कि नहीं, में इतना नहीं मिलता है, भाई। तो आप के लिए क्या क्या होती है। पहली रिक्वायरमेंट बाइक बाइक है तो बाइक ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है ड्राइविंग लाइसेंस के साथ हेलमेट ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए ठीक है आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए पेशेंस इन द सेंस आपको डॉक्टर से मिलना रहेगा आपको डॉक्टर्स को बताना रहेगा कि भाई ये 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 है इस दवा का ये रोल है ये दवा क्या बाकी प्रोडक्ट्स से अच्छी क्यों है हुँ। अब ये सब काम होने के बाद आप सीख जाओगे आप सीख जाओगे तो आपके पास पैसा आने लगेगा लेकिन इस बीच में आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी मीन्स फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस यार आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है लेकिन जब आपको समझ में आने लगेगा ना कहते हैं ना जिस चीज में दिल लगने लग जाता है तो उस चीज से ही दिल लगी हो जाती है बाकी सब चीज बस चीज रह जाती है लेकिन वही खास बन जाती है जिससे दिल लगी हो जाती है ठीक है तो वही वाला सीन हो जाता है यहां पर अब इसके बाद फार्मासिस्ट मीन्स आप लोग मेडिकल शॉप में जाके केमिस्ट शॉप में जाके एज अ फार्मेसी स्टोर पर जाकर के जो भी ड्रग्स की डिस्पेंसिंग करते हैं आप लोग वो भी कर सकते हैं बहुत चलित है ये हॉस्पिटल्स में जाकर के लेकिन इसमें क्या है सैलरी उतनी नहीं है स्टार्टिंग में टेन ट्वेल्व थाउजेंड बट एम की पोस्ट में बहुत है अब इसके बाद आ जाते हैं इसके नीचे अब इसके नीचे तो हम नहीं कहेंगे अगर आपको Uh, 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 क्या बोलते हैं इसके बाद मतलब इससे नीचे आ जाते हैं मतलब बाहर चले जाते हैं बाहर हैं जैसे हम लखनऊ के यहां पर कोई इंडस्ट्रीज नहीं है बाहर इंडस्ट्रीज है वहां पर आपको मिल जाता है पंद्रह हजार रुपए बट दस से पंद्रह हजार रुपये मिल जाता है ठीक है स्टार्टिंग में न्यू न्यू फ्रेशर्स फ्रेशर्स बट उधर होता क्या है ना यार क्या बोले हम यार हम जहां रह रहे हैं हम जहां बैठ रहे हैं हम जहाँ बिजली दे रहे हैं खाना पीना खा रहे हैं इसके लिए पैसा लगता है ना भाई तो दस पंद्रह हजार रुपए उसी में चले जाते हैं बचते कितने तीन से चार हजार रुपये क्या फायदा क्या फायदा है भाई कोई फायदा नहीं होता है ना तो समझ रहे हो ना देखो ध्यान से देखो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब फार्मेसिस्ट व ट्रेनिंग मतलब इन इंडस्ट्री तीन चीजें मैंने बता दी इससे हटके इससे हट के एक जॉब होती है अगर आपको चाहिए थोड़ी रिपोटेशन पैसे तो नहीं रहते हैं, आपको भी पता है वो लाइन होती है टीचिंग की लाइन ओके बी फार्म करने के बाद आप डिप्लोमा के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं कॉलेज में जा कर के मीन्स आपने जिस कॉलेज से पास आउट किया उसी में आपका लिंक है उसमें आपको आराम से पढ़ाने के लिए मिल जाता है इंटरव्यू इंटरव्यू आराम से आप दो पढ़ाओ दस से बारह हजार रुपये सैलरी मिलती है अब एज अ टीचर आप भी जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में धीरे 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 इंक्रीमेंट होता है तो आप एज ए टीचर भी बन सकते हैं बट आपके पास नॉलेज होनी चाहिए भाई मैं तो यह कहूंगा जिसको भी टीचर बनना है नॉलेज पूरी नॉलेज रखो ताकि बच्चों को आगे जो भविष्य है उनका मीन जो फ्यूचर है उसको आसान बनाने में आप उनकी हेल्प कर सके क्योंकि खाने तो बहुत से हैं लेकिन आखिरी में आखिरी में याद वही रह जाता है जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है ना तो वही है इसमें भी टीचर तो बहुत है लेकिन आखिरी में सिर्फ याद वो एक टीचर रह जाता है जिसने भले ही तुम्हें कभी ना पढ़ाया हो लेकिन एक दिन रास्ता दिखाया होता है और तुम तरक्की कर रहे होते वो टीचर याद रहता है समझ रहे हो ना वो टीचर आपको बनना पड़ेगा फिर तो ये चार चीजें मैंने आप लोग को बताई ठीक है आप ये सब कर सकते हैं बी फार्म के बाद होप सो आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी ये तो बनता है ना भाई <laughs> तो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है ना तो इसके लिए नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे आपको आगे बताएंगे कि कैसे क्या करते हैं पहली जॉब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तो मैं आपको ये बताऊंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब में क्या क्या करते हैं कैसे कैसे रोल रहता है ठीक है अभी चलते हैं टाटा बाय बाय वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करिएगा सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और टाटा बाय बाय लव यू सी यू बेटा यार रोज रोज देखा करो यार अब देखो बाल भी पता है आज बढ़िया लग रहे हैं है तो तो सही है यार <laughs> चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में ओके